परिंदों को मंजिलें मिलेंगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, वो लोग रहते हैं अक्सर खामोश जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो गाइज, आज एक नया फाइल हम लेकर उपस्थित हैं आप सबके बीच में, और आज का जो लेक्चर होने वाला है वह डिपेंड है फाइलम टीनोफोरा। फाइलम टीनोफोरा पर है पूरा का पूरा आज का लेक्चर गाइज। और आज लेक्चर के बाद हम जो आप सबके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के आए हैं वो तो आज आपके दिमाग को हिला देगा, क्योंकि गाइस हमको ऐसा प्रश्न लाना ही पड़ा क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आता था कि सर वही पुराने क्वेश्चन आप करा रहे हैं। तो आज अगर हिम्मत है, अगर आपके अंदर दम है, तो ये लेक्चर देखने के बाद उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप करिए। और अगर 25 हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं, 25 में से अगर आप 20 भी कर लेते हैं तो मानिए आपका सिलेक्शन श्योर है गाइस। तो आज ही आजमाइए आप हमारे साथ कि आखिर आपकी तैयारी कितनी है। अगर बहुत तैयारी कर चुके हैं तो आज हमारे इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करके दिखाइए आप। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो हमारा लेक्चर है गाइस, आज जो है वो है टीनोफोरा। कौन सा है गाइस? टीनोफोरा। तो टीनोफोरा की अगर हम बात करें गाइस, तो यहाँ पर आप देख लीजिए इसके बारे में, इसे भी देखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। पॉइंट टू द पॉइंट हम लेकर के आते हैं आप सबके लिए लेक्चर, ठीक है। तो टीनोफोरा के बारे में पहला पॉइंट क्या है गाइस कि टीनोफोरा नेम गिवन बाई इस्कियो बोल्ट, ठीक है। इस्कियो बोल्ट ने टीनोफोरा नाम दिया, ठीक है, इस्कियो बोल्ट ने, ठीक है। अब देखिए इसका जो कॉमन नेम है गाइस, कॉमन नेम टीनोफोरा का जो कॉमन नेम है वो क्या है? इसका कॉमन नेम देख लीजिए यहां से, क्वेश्चन एक नंबर, तो ये पिछली बार भी बन चुका है, क्वेश्चन आया हुआ है गाइस, ठीक है। इसका कॉमन नेम है सी वॉलनट भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं गाइस? सी वॉलनट अथवा कॉम्ब जेली। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्ब जेली, ठीक है, अथवा सी गूजबेरीज। सी गूजबेरीज, तो इसके कितने नाम हुए? तीन गाइस, तीन कॉमन नेम इसके हैं। एक तो सी वॉलनट, दूसरा कॉम्ब जेली, तीसरा सी गूजबेरी, ठीक है। तो कॉमन नेम है किसका? टीनोफोरा का। इसे बिल्कुल आप नोट करते चलिए हमारे इस लेक्चर को, ठीक है। पॉइंट टू द पॉइंट लेकर के आते हैं आप सबके लिए। अगला पॉइंट है कि दीज आर नोन फॉर ब्यूटी एंड डेलिकेट्स। किसके ये जाना जाता है? टीनोफोरा। इसके जो जंतु हैं किसके लिए जाने जाते हैं? ब्यूटी एंड डेलिकेट, सुंदरता व कोमलता के लिए ये जाने जाते हैं गाइस। तो ये अगला खास पॉइंट है, सुंदरता और कोमलता के लिए, ठीक है। अगली बात ये है कि ऑल एनिमल्स आर मैराइन। इस संघ के, इस फाइलम के जो जंतु होते हैं सभी मैराइन। अच्छा एक बात और बता दे, इसके पहले ये टीनोफोरा शामिल था इसके पहले सिलेंट्रेटा में, लेकिन इसके बाद में देखा गया इसके करेक्टर तो बिल्कुल डिफरेंट लग रहे हैं, तो इसको अलग से रख दिया गया गाइस, अलग इसका जो है बिल्कुल फाइलम ही कर दिया गया। तो दीज आर नोन फॉर ब्यूटी डेलिकेट्स हो गया। और अगली बात मैं कर रहा था कि ये सभी, इस फाइलम के सभी जो जंतु होते हैं मैराइन होते हैं एंड पेलेजिक। एंड कैसे होते हैं? पेलेजिक होते हैं, जो कहाँ फ्लोट करते हैं? फ्लोट ऑन सी सरफेस, ठीक है। कहाँ पर? सी सरफेस पर फ्लोट करते हैं, ठीक है, तैरते हैं, बिल्कुल चलते हैं मस्ती करते हुए। अगली खास बात जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनने वाला है वो मैंने हाईलाइट कर दिया गाइस, बहुत ज़्यादा हाईलाइट किए हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सोच क्या प्रदर्शित करते हैं इस फाइलम के जंतु? बायोलुमिनेसेंस, ठीक है, बायोलुमिनेसेंस अर्थात जैव प्रदीप्त। जैव प्रदीप्त वो टिमटिमाते तारे की तरह गाइस, बायोलुमिनेसेंस, ठीक है। ये इसका मतलब क्या है कि ये देख लीजिए, बिल्कुल मैंने हिंदी में इसको लिख दिया कि प्राणियों के द्वारा प्रकाश उत्सर्जन करते हैं प्राणी, ये प्राणियों के द्वारा प्रकाश का उत्सर्जन किया जाता है टिमटिमाते, और यही मुख्य करेक्टर है इसका। मेन करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस फाइलम इज बायोलुमिनेसेंस गाइस, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिए अगली खास बात यह कि सोज सॉलिटरी, ये एकल होते हैं, सॉलिटरी कंडीशन एंड मोटाइल, और कैसे होते हैं? चल होते हैं गाइस, ठीक है। ये क्या प्रदर्शित? ये एकल प्राणी के रूप में होते हैं, अकेले होते हैं, झुंड में नहीं होंगे, एकल कंडीशन में होते हैं और मोटाइल होते हैं, चल होते हैं। और देखिए गाइस, और इसकी खास बात क्या है देख लीजिए, बिल्कुल ये यहां से देखिए, यहां पर अगला पॉइंट्स है कि निमेटोब्लास्ट आर अब्सेंट। इसमें निमेटोब्लास्ट अब्सेंट होता है गाइस, निमेटोब्लास्ट इसमें क्या होता है? अब्सेंट होता है। सो दे आर आल्सो कॉल्ड एक्निडेरियन, एनिडेरियन इसको कहा जाता है इसी कारण से, क्यों? इसमें निमेटोब्लास्ट अब्सेंट होता है, जिस कारण से इसे क्या कहा जाता है? एनिडेरिया कहा जाता है, एनिडेरियन एनिमल कहा जाता है इसको, ठीक है। अब अगली खास बात क्या है कि दे आर कॉम्ब जेली, दे आर कॉम्ब जेली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एट कॉम्ब प्लेट्स। इसमें एट कॉम्ब प्लेट्स होती हैं गाइस, जिस कारण से कॉम्ब जेली कहते हैं। देखिए कैसे
अब जानते हैं कॉम मतलब कंघा, जानते हैं इस तरीके से ऐसे, ठीक है। तो आठ जो है कॉम्ब प्लेट्स इस जंतु के बीच में होती हैं, बिल्कुल लगी होती हैं। अभी मैं इसका फिगर आगे आपको दिखा रहा हूँ गाइस, ठीक है। इस कारण से इसको कॉम्ब जेली बोलते हैं। अब देखिए अगला, अगली खास बात की अगर हम बात करें तो क्या है भाई, देखिए अगली खास बात क्या है भाई, कॉम्ब जेली हो गया, आठ कॉम्ब प्लेट्स हैं इसमें, और कॉम्ब प्लेट्स हेल्प इन दियर मूवमेंट इन वाटर, और ये कॉम्ब प्लेट्स जो होती हैं किसमें मदद करती हैं, इनके मूवमेंट में, वाटर में यानी जल में जब ये मूवमेंट करते हैं उनमें ये कॉम्ब प्लेट्स क्या करती हैं, हेल्प करती हैं गाइज, हेल्प करती हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर द सनलाइट दियर कॉम्ब प्लेट गिव द इफेक्ट ऑफ अ रेनबो, इन्हीं कॉम्ब प्लेट के कारण एक विशेष प्रकार का ये प्रदर्शन शो करती हैं, जिस प्रकार जैसे क्या होता है रेनबो इंद्रधनुष की तरह, ठीक है, इन्हीं कॉम्ब प्लेट के द्वारा प्रदर्शित होती हैं, यानी इसमें कलराइजेशन, मैंने बताया कि बायोलुमिनेसेंस प्रदर्शित करती हैं, जिस कारण से इसमें एक इफेक्ट शो होता है किस प्रकार का, रेनबो, ठीक है, इंद्रधनुष के समान, इसी कॉम्ब प्लेट के कारण। अब देखिए बॉडी फॉर्म, इसकी जो बॉडी है वो क्या बनाती है, मे बी स्फेरिकल, इनकी बॉडी किस रूप में हो सकती है, किस रूप में हो सकती है, स्फेरिकल हो सकती है अथवा सिलेंड्रिकल हो सकती है अथवा पीयर शेप्ड हो सकती है, किस किस रूप में हो सकती है इनका, इनकी बॉडी स्फेरिकल हो सकती है, सिलेंड्रिकल हो सकती है अथवा पीयर शेप्ड हो सकती है, नाशपाती के आकार का, ठीक है। अब यहां देखिए अगली बात कि बॉडी इज सॉफ्ट, इसकी बॉडी कैसी होती है, इनके जंतुओं की सॉफ्ट होती है, ट्रांसपेरेंट गाइस, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है, जेली लाइक होती है, एंड हैविंग बाई रेडियल सिमेट्री, इसमें सिमेट्री किस प्रकार की होती है, बाई रेडियल सिमेट्री, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, बाई रेडियल सिमेट्री, ठीक है, बाई रेडियल सिमेट्री, आप जानते हैं कि इनके बॉडी को ये दो बराबर भागों में क्या किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है, तो बाई रेडियल सिमेट्री शो करती है, ठीक है। अब यहां देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, विथ टिश्यू ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, टिश्यू ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन गाइज, इनका भी जो शरीर होता है वो टिश्यू ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, इनमें भी, इनके शरीर में भी टिश्यू ग्रेड लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मिलता है, ठीक है। अब इसके पहले भी आपने सिलेंट्रेटा में भी देखा था टिश्यू ग्रेड प्रकार का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था, यहां पर भी है, देखिए मैंने हाइलाइटेड कर रखा है इसको। और एनिमल्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, कैसे होते हैं ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं गाइस, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं ये एनिमल, कैसे होते हैं, इनका त्रिस्तरीय शरीर इनका होता है। अब देखिए डाइजेशन इसमें क्या है कि डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर, इसमें डाइजेशन जो होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है और इंट्रा सेलुलर होता है, यानी आप देखते हैं कि इसमें इंट्रासेलुलर और कोशिका के अंदर, कोशिका के बाहर दोनों प्रकार का डाइजेशन। एनिमल्स आर कार्निवोरस, ये सभी जंतु कैसे होते हैं, कार्निवोरस होते हैं गाइस, कैसे होते हैं, कार्निवोरस होते हैं, ठीक है। अब ये देखिए अगली बात यहां पर देखिए, अ पेयर ऑफ लॉन्ग सॉलिड टेंटिकल्स आर प्रेजेंट, ठीक है, इनमें एक जोड़ी लॉन्ग सॉलिड टेंटिकल्स उपस्थित होते हुए हैं, इनमें एक जोड़ी गाइस, इनमें एक जोड़ी लॉन्ग सॉलिड टेंटिकल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं जो इस प्रकार से, ठीक है, एक जोड़ी बिल्कुल सॉलिड टेंटिकल्स इसमें क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, यह भी इसका करेक्टरिस्टिक फीचर है। अब आगे देखिएगा इस यहां पर लोकोमोशन टेक्स प्लेस बाई एट सीलियरी कॉम्ब प्लेट्स, इनमें जो लोकोमोशन होता है आठ सीलियरी कॉम्ब प्लेट्स के द्वारा होता है, लोकोमोशन मैंने बताया किसके द्वारा होता है, आठ सिलेरी कॉम्ब प्लेट्स के द्वारा लोकोमोशन इसमें होता है गाइस, ठीक है, देख लीजिए बिल्कुल, और इसे आप बिल्कुल देखिए, मैं आपको बता दूं कि पीडीएफ की बहुत सारे लोगों की डिमांड होती है, जब आपको पढ़ना नहीं आता, लेक्चर नहीं दे सकते, पीडीएफ लेकर के बहुत सारे बटोर लेंगे तो क्या कर लेंगे भाई, ठीक है, इससे अच्छा बहुत आपके साथ बहुत ढेर सारी किताबें भी हैं आपके पास, वहां से भी आप देख सकते हैं, समझ रहे हैं, बहुत सारे मटेरियल हैं उपलब्ध हैं, बहुत पीडीएफ की मैंने देखा है, बहुत ज़्यादा लालसा है पीडीएफ के लिए भाई, हद है उसके लिए, तो फिर सब मेहनत कर देंगे, लेकिन अगर कह दीजिए कि भैया वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए तो उसके लिए नहीं, गुरु जी को कहीं ज़्यादा प्रॉफिट ना हो जाए भैया, वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँच ना जाए, ऐसा नहीं करना है, अरे ये तो ऐसा हो जाएगा,
क्योंकि हम जान रहे हैं कि आप सभी लोग टीचर्स हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों में से ज़्यादा लोग सभी लोग कहीं ना कहीं पढ़ा रहे हैं। रेयर केस में कुछ ही लोग हैं जो नहीं टीचिंग कर रहे हैं, उनका मेन एक ही टारगेट है कि हमें टीचर बनना है तो सरकारी बन के ही पढ़ाना है, ठीक है, और यही एकदम बिल्कुल सही भी होता है। तो जो पढ़ा रहे हैं एक बार उनके अंदर, बहुत सारे लोगों के अंदर वो खपट भी भरी होती है, ठीक है, जो बात कहते हैं हम डायरेक्टली कह देते हैं गाइस, ठीक है, और यही बातें थोड़ा सा दिल में झकझोर देती हैं आपके, ठीक है। तो ऐसा ऐसी सोच रखेंगे तो गड़बड़ है सब गाइस, ठीक है। थोड़ा सा सपोर्टिव नेचर भी रखिए आप लोग, जब इतना कर सकते हैं भाई, किसी से आज तक तो पैसे लिए नहीं, तो इतना सपोर्टिव नेचर आप लोग भी सपोर्ट करिए, थोड़ा सा फैलाइए, तब तो मज़ा आए। संख्या भी आप लोग देखिए तब पढ़ाई करिए, थोड़ा सा और मज़ा आ जाए। लेकिन हाँ, जितने लोग हैं, कई लोग देखते हैं बहुत ज़्यादा ईमानदारी के साथ जुड़े होते हैं, और वो भी बड़े ईमानदारी से एकदम तन्मयता से जुटे होते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सभी इंसान एक प्रकार के नहीं होते हैं। स्केलेटल, एक्सक्रेटरी एंड रिस्पायरेटरी सिस्टम एब्सेंट। इसमें जो है स्केलेटल सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम और रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या होता है भैया? एब्सेंट होता है। देख लो भैया, इसमें क्या होता है? एब्सेंट, ठीक है, तीनों सिस्टम। इन प्लेस ऑफ निमेटोसिस्ट, इनमें निमेटोसिस्ट के स्थान पर स्पेशल सेल्स जिसे लासो सेल कहते हैं। क्या कहते हैं गाइज? ये है लासो सेल, ये लासो सेल आप देख रहे हैं। इनमें निमेटोसिस्ट के स्थान पर लासो सेल्स पाई जाती हैं। ये टीनोफोरा का मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, हाइलाइटेड मैंने कर रखा है गाइस, ठीक है। लासो सेल यहाँ टीनो निमेटोब्लास्ट के स्थान पर स्पेशल प्रकार की कोशिकाएं लासो सेल उपस्थित होती हैं, विच हेल्प इन, जिस जो किसमें सहायता करती हैं, लासोसोल किसमें सहायता करती है? कैचिंग द प्रे, शिकार को पकड़ने में भैया, शिकार को पकड़ने में, एंड ऑफेंस एंड डिफेंस, और अपनी सुरक्षा और रक्षा प्रदान करने में, ठीक है, सुरक्षात्मक रूप में और शिकार को पकड़ने में इन लासोसेल का कार्य होता है, ठीक है। अब ये देख लीजिए, प्लूरोब्रैंकिया है। अब यहाँ पर ये कॉम्ब प्लेट स्ट्रक्चर है, कितनी है? आठ है गाइस, 1 2 3 4 5 6 7 8 आठ कॉम्ब प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है इसमें। और ये देख रहे हैं बिल्कुल, ये टेंटिकल्स हैं। टेंटिकल्स कितने हैं ये गाइस? इस पर दो हैं, फिर इसी पर क्या पाए जाते हैं? लासो सेल्स पाए जाते हैं, लासो सेल। ऑल एनिमल आर बाइसेक्सुअल अथवा हर्माफ्रोडाइट्स, ठीक है। सभी एनिमल कैसे होते हैं? बाइसेक्सुअल होते हैं अथवा हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि आगे इसकी खास बात क्या है, देख लीजिए आगे इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है, इसको भी देख लेते हैं। ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड, इनमें केवल और केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। और बात यह है कि फर्टिलाइजेशन इसमें एक्सटर्नल होता है। कैसा होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इसमें होता है गाइस, ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब चलते हैं इसकी मुख्य बात पर कि डेवलपमेंट इज ऑफ इनडायरेक्ट टाइप, ठीक है। इसमें डेवलपमेंट किस प्रकार का होता है? इनडायरेक्ट प्रकार का होता है। और इसमें एक फ्री लार्वा होता है, फ्री लार्वा होता है जिसे कहते हैं सिडिपिड लार्वा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टीनोफोरा का जो लार्वा है उसका नाम है सिडिपिड लार्वा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सिडिपिड लार्वा, इसे आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। क्लीवेज इसमें कैसा होता है? होलोब्लास्टिक होता है। कैसा होता है क्लीवेज? होलोब्लास्टिक प्रकार का होता है इसमें क्लीवेज। और अगली खास बात यह है कि इसमें मसल्स आर मोर डेवलप देन सिलेंटेट, सिलेंटेटा से अधिक इसमें मसल्स क्या होती हैं? डेवलप होती हैं, ठीक है, सिलेंटेटा की तुलना में। नर्व सेल आर मोस्टली प्रेजेंट टुवर्ड्स ओरल एंड, इनमें नर्व सेल किस तरफ होती हैं? होती हैं ओरल एंड की तरफ उपस्थित होती हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, नर्व सेल्स। और अगली बात क्या है कि रीजनरेशन एंड पीडोजेनेसिस इज नॉर्मली फाउंड, इसमें कौन कौन सी प्रक्रिया? रीजनरेशन और पीडोजिनेसिस, ये दोनों नॉर्मली जो है समान पाई जाती हैं, ठीक है। अब यार इसके क्लासिफिकेशन की थोड़ी सी हम बात करें गाइस, तो टीनोफोरा इज डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, यानी दो क्लास में टीनोफोरा को डिवाइड किया गया है, बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ टेंटिकल्स, किसके आधार पर? टेंटिकल्स के आधार पर। तो देख लीजिए दो क्लास हैं इसमें, कौन कौन सी क्लास हैं गाइस इसमें टीनोफोरा में? एक क्लास है यहाँ टेंटाकुलाटा, दूसरा है न्यूडा, ठीक है, टेंटाकुलाटा और न्यूडा। अब यहाँ पर देख लीजिए इसकी विशेषता क्या है टेंटाकुलाटा में, जैसे इसका एग्जांपल है प्लूरोब्रैंकिया और सिस्टम और वीनस गर्डिल, ठीक है, सिस्टम अर्थात वीनस गर्डिल। अब यहाँ बिरोई, दूसरा न्यूडा में इसका एग्जाम्पल क्या है? बिरोई। अब ये कैसा होता है? इसको कॉमनली क्या कहते हैं? स्विमिंग आई ऑफ कैट, ठीक है, स्विमिंग आई ऑफ कैट, बिल्ली की तैरती आंखें, ठीक है, बिल्ली की तैरती आंखें बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज के हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को गाइस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लीजिए बिल्कुल, ये हम आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के आए हैं गाइस। मैं आपको बता दूं, जितने लोग अभी कम थोड़ा सा लगे हैं
जो सोच रहे हैं कि थोड़ा सा देख लें और आ जाए नज़दीक एग्जाम डेट घोषित हो जाए तब जुटें, तो उनके लिए मैं बता दूं, आज एक मैं आपको एक छोटी सी कहानी है, मैं इसको शेयर करना चाहता हूं आप सबके साथ में, कहीं ऐसा ही आप लोगों के साथ ना हो जाए जो लोग बिल्कुल आलसी होकर के बैठे हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, एक किसान था गाइस, मैं आपको बता दूं, और एक इसकी जो है डॉटर थी, एक पुत्री थी, अपनी पुत्री की वो शादी करना चाहता था किसान, तो उसके लिए उसने प्रस्ताव रखा, सोचा कि जो है सभी लोग चाहते हैं कि हमारी पुत्री की जो मैरिज हो अच्छे घर में हो जो है, तो किसान अपनी पुत्री की जो शादी है अच्छे खासे लोगों से करना चाहता था, जिसने उसने प्रस्ताव रखा। क्या प्रस्ताव रखा कि सब जगह बता दिया कि गाइस हम अपने लड़की की शादी के लिए हम 3 प्रस्ताव रख रहे हैं, जो हमारे प्रस्ताव को मानेगा तो उसी के साथ अपनी हम लड़की की शादी कर देंगे। तो उसके पास 3 बैल थे गाइस, ठीक है, किसान के पास 3 बैल थे। कहा कि हमारे जो पास बैल है गाइस, तो मैं मेरे बैल की जो पूंछ पकड़ लेगा जो बंदा, मैं अपनी डॉटर की, अपनी पुत्री की शादी उसी के साथ कर दूंगा, ठीक है। आखिर देखिए बैल की पूंछ पकड़ना ये मामूली बात नहीं भैया, लात वात मार दे फटाक से गिर जाएंगे आप लोग, समझ रहे हैं। तो प्रस्ताव रखा तो बहुत सारे युवाओं के पास ये ऑफर पहुंचा, तो बहुत सारे युवा आजकल ऐसे ही हैं जो सोचते हैं, ढूंढते रहते, कुछ लोग खोजते रहते हैं, कुछ लोगों को अपने टारगेट में मतलब रहता है। तो एक युवा आया बिल्कुल एकदम, कहा कि बस ये सामान्य सी बात, इसे तो मैं तो कर सकता हूँ, पुत्री उनकी बड़ी सुंदर थी भाई किसान की, तो कहा कि ठीक है मैं इसके लिए जो है इनकी सुंदरता के लिए, इनकी पुत्री को पाने के लिए बैल क्या और किसी की चीज़ की पूछ के ही तो मैं पकड़ लूँगा। तो कहा आप केवल बैल की पूछ पकड़िए। तो अब किसान जो है ले जा करके कमरे के पास उस युवा को छोड़ देता है और कहता है ठीक है अब मैं बैल को निकाल रहा हूँ, आप इसकी पूछ पकड़िए। अब कुछ दूरी पर वो युवा खड़ा है और किसान ने क्या किया कि वो बैल, सॉरी वो जो है दरवाज़ा खोला और कमरे का, और बैल बड़ा हट्टा कट्टा एकदम तगड़ा ताज़ा मोटा निकलता है, चिट्ठा सींग लिए हुए तमतमाता हुआ निकलता है हकलाते हुए एकदम। तो वो डर जाता है युवा, अरे बाप रे तो बड़ा हट्टा कट्टा है, बाप रे बाप, इसकी तो पूछ पकड़ेंगे तो ये तो बहुत तगड़ा मार सकता है, मेरी मृत्यु भी हो सकती है, नहीं इसको जाने देते हैं। और ऑप्शन था 3 बैलों में से किसी एक की पूछ पकड़ने की, तो भैया कहा इसको जाने दीजिए जाने दीजिए। अब इंतजार करने लगा कि नहीं इसकी नहीं पकड़ूंगा, दूसरा वाला जो निकलेगा उसकी पकड़ूंगा। तो सोचता है कि दूसरा वाला देखें शायद इससे कम हट्टा कट्टा हो जो है, उसकी पकड़ के दिखाते हैं, उसकी तो पकड़ के फेंक देंगे। अब जो है वो जाने लगा गाइस, उसको जो है छोड़ देता है। अब जैसे ही वो बैल चला गया पहला वाला, उसको तो देख करके वो डर गया। अब दूसरा जो बैल होता है, जो दूसरा बैल आता है, अब दूसरे के नंबर आता है, तो किसान ने दरवाजा खोला और दूसरा बैल निकलता है। जब दूसरा बैल निकलता है तो गाइस वो युवा युवक देखता है ये तो पहले वाले से भी ज्यादा हट्टा कट्टा है, बहुत भयानक ये तो है भाई, अब क्या करें हम इस दूसरे बैल को, तो ये तो और भयानक मार सकता है, उससे इससे अच्छा है पहले वाले को पकड़ लिए होते। तो कहता नहीं नहीं आप तीसरा वाला देख रहे हैं, शायद तीसरा वाला जो है वो बढ़िया हो, कहा इसको भी नहीं पकड़ेंगे जाने दीजिए, वो भी चला गया। अब तीसरे वाले के लिए दरवाजा खोलता है किसान, तीसरा बैल निकलता है, तो तीसरा वाला थोड़ा दुबला पतला था, कमजोर था तीसरा वाला देख करके, तो उसने जो है जो युवक था कहा कि ये तो कमजोर है इसको तो पकड़ ही लेते हैं। जब जो है युवक जाता है उसके पास तो देखता है तीसरे वाले के पास पूंछ ही नहीं थी गायब, तो उसकी पूंछ ही गायब थी साहब, समझ रहे, तीसरे वाले की शर्त थी उस बैल की पूंछ पकड़ने की, और तीसरा वाला तो दुबला पतला था, सब कुछ था उसी के मन के मुताबिक, लेकिन उसकी पूंछ ही नहीं थी। तो गाइज कहीं ऐसा ना हो कि बहुत सारे लोग हैं जो इंतजार करते रहते हैं कि देखते हैं थोड़ा सा पहले तमतमाते हैं परीक्षा की तैयारी के लिए, फिर उसके बाद आलसी में आ जाते हैं, अगली परीक्षा थोड़ा सा देख लेंगे जाने दीजिए इसको, अब क्या करें अगला लेक्चर, ये लेक्चर आज नहीं, हम इसको जो है बाद में देख लेंगे आराम, जब मुझे मिलेगा तब कंफर्टेबल जोन में कौन काम करना चाहता है गाइज, मेहनत करने के लिए तो मेहनत करनी ही पड़ेगी ना अच्छा कुछ करने के लिए। तो गाइज कहीं ऐसा ना हो कि एक एग्जाम के चक्कर में दूसरा तीसरा, और ये TGT PGT का एग्जाम है, मैं आपको बता दूं 3-4 साल में एक बार आता है कहीं ना कहीं, तो आप इसको समझिए, दिल से लीजिए, बिल्कुल इसके लिए बिल्कुल प्रयत्नरत रहिए, बिल्कुल लगनशीलता से जुटे रहिए, कि पहला ही मौके में आपका अटेम्प्ट हो जाए एग्जाम, ठीक है गाइज। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इन प्रश्नों को। पहला प्रश्न क्या कह रहा है गाइज, इसको देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है यहाँ पर कि द फ्री स्विमिंग लार्वल फॉर्म ऑफ प्लूरोब्रैंकिया इज कॉल्ड एज, ठीक है, कहला प्लूरोब्रैंकिया का पहला जो है स्वतंत्र रूप से तैरने वाला जो लार्वा है वो क्या है, प्लूरोब्रैंकिया का कह रहा है प्लैनुला लार्वा है, इफायरिया लार्वा है, गाइज ये तो दोनों सिलेंट्रेटा के हैं, ये दोनों सिलेंट्रेटा के हैं, ये ओबिलिया का था ओपी और एलिया का था जो मैंने बताया था ना AE, ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकते भाई, ये हो नहीं सकते। और कह रहा है सिंपर्स लार्वा नहीं, ये इसका लार्वा क्या है सीडीपीड लार्वा गाइज, तो इसका सही जवाब क्या हो गया डी नंबर, पहले का जो राइट आंसर है वो हो गया डी नंबर। दूसरा क्या कह रहा है देखिए, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है गाइज, इसको देखिए, कह रहा सिलेक्ट द क्रीपिंग टीनोफोर फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है,
अब यहाँ ये देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है, कर रहा है सेलेक्ट द क्रीपिंग टीनोफोर, ऐसा टीनोफोरा का एग्जाम्पल जो निम्नलिखित में से जो क्रीप करता हो, चलता हो, रेंगने वाला हो। देख लीजिए आज की क्वेश्चन हम ऐसे लेकर के आए हैं, अब दम है तीन प्रश्नों को। अब यहाँ से आपका दिमाग गुसमुचा जाएगा, बैलेंस हो जाए, डिसबैलेंस हो जाएगा, फिर इसको करिए। हर दिन सोचते हैं कि बस गुरु जी ले आ रहे हैं, भाई मैं तो स्टेप बाय स्टेप चल रहा था ना अपने अकॉर्डिंग, तो बीच में एक दिन ऐसे भी देख लीजिए, तब समझ में आ जाए क्या है कैसे है। भाई यहाँ तक भी हम आपको ले जाएंगे, ठीक है, लेकिन आप लोग डंडा की रहते हैं। भाई कह रहा है इसमें क्रीप करने वाला, कह रहा है टीनोप्लाना, कह रहा है डायोपिया, कह रहा है सीलोप्लाना, कह रहा है हर्मीफोरा। तो इसका जो है सही जवाब क्या है गाइस, तो जो क्रीप करने वाला टीनोफोर्स है वो कौन सा है, टीनोप्लाना। क्या है इसका गाइस, इसका राइट आंसर टीनोप्लाना, इसका सही जवाब है ए नंबर, दो का ए नंबर इसका सही जवाब है। अब तीसरा वाले क्वेश्चन को हम थोड़ा यहाँ ऐसे कर दें तो आप जल्दी से आप समझ पाएंगे। तीसरा क्वेश्चन ये रहा, देखिए बॉक्स के अंदर तीसरा क्वेश्चन बॉक्स के अंदर है, इसको गाइस देखिए। कह रहा है टीनोफोर्स, टीनोफोर्स कैसे होते हैं, कह रहा है यूनिसेक्चुअल क्रिएचर्स होते हैं, कह रहा है हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं, कि एसेक्चुअल क्रिएचर्स होते हैं, कि न्यूटेनिक फॉर्म्स में होते हैं, तो कैसे होते हैं इसका गाइज अभी मैंने बताया लेक्चर में, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ये हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं अर्थात बाइसेक्सुअल होते हैं गाइज, ठीक है। तो तीन का क्या हो गया, तीन का हो गया बी हो गया, ठीक है, तीन का बी हो गया। अब चार नंबर को भी देख लीजिए, चार नंबर चलिए इसको भी हम थोड़ा सा बंद कर देते हैं बिल्कुल इसके अंदर, तो आप जल्दी से समझ पाएंगे ये चार नंबर का जो क्वेश्चन है। देखिए चार नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी देखिए चार नंबर में कह रहा है द टीनोफोर्स सिस्टम इज कॉमनली नोन एज, इसको सिस्टम को कॉमनली किस नाम से जाना जाता है गाइज, कह रहा है वेनस फ्लावर बास्केट, नहीं तो भैया यूप्लेक्टिला है क्या शायद, यू वीनस फ्लावर्स बाकटे ये है नहीं, डेड मैंस फिंगर ये भी नहीं है, डेड मैंस फिंगर कह रहा है, ब्रेन कूलर नहीं है, सिलेंट्रेटा है नहीं, कह रहा है वीनस गार्डिल जी बिल्कुल इसका सही जवाब क्या है, वीनस गार्डिल इसका डी नंबर इसका सही जवाब है गाइस, ठीक है, वीनस गार्डिल इसका सही जवाब है, देख लीजिए बिल्कुल। तो चार का क्या हो गया, चार का डी नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर पाँच पर चलते हैं गाइज, और आज ऐसे ही हम 25 क्वेश्चन ले आए हैं। क्वेश्चन नंबर पाँच को देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर पाँच गाइज आपके सामने, क्वेश्चन नंबर पाँच, चलिए इसको भी हम पैक कर देते हैं एक बिल्कुल डब्बे में जिस बिल्कुल स्पष्ट दिखता रहे आपको, ये पाँच नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। पाँच नंबर में कह रहा है डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट इन टीनोफोर्स एंड द लार्वा इज नोन एज, टीनोफोर में जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है इसका लार्वा क्या है, कह रहा है प्लेनुला नहीं, कह रहा है मिरासीडियम नहीं, इफायरा नहीं, कह रहा है सीडीपीड, जो बिल्कुल इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सीडीपीड इसका सही जवाब है। अभी तो बिल्कुल सस्ते आ गए भैया, चल रहे हैं लुभावना दे रहे हैं आपको। अगला छः नंबर का क्वेश्चन, इसको भी पैक करते हैं डब्बे में, छः नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये छः नंबर का क्वेश्चन कर, वन ऑफ द फॉलोइंग टीनोफोर्स इज विदाउट टेंटकिल्स, इसमें से कौन सा टीनोफोर है जिसमें टेंटकिल्स नहीं होता है, विदाउट टेंटकिल्स होता है, बताइए इसमें विदाउट टेंटकिल्स कौन होता है, कह रहा है सिलोप्लाना, कह रहा है टीनोप्लाना, कह रहा है प्लीनोब्रैंकिया की बिरोई, इसमें से सही जवाब क्या है गाइस, इसका सही जवाब क्या है, मैंने अभी बताया टेंटकिल्स के आधार पर ही इसको दो भागों में रखा गया है, ठीक है। तो दूसरे में का जो एग्जाम्पल था मैंने आपको बताया था उसमें कौन था एग्जाम्पल, बिरोई, तो इसका सही जवाब है विदाउट टेंटकिल्स होता है, नॉट टेंटकिल्स, इसमें टेंटकिल्स नहीं होते हैं, किसमें बिरोई में, तो इसका सही जवाब क्या हो गया, बिरोई इसका राइट आंसर हो गया। छः का कौन सा हो गया, सी नंबर गाइज, छः का सी नंबर। अब सात नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी देखते हैं, सात नंबर का क्वेश्चन गाइज कह रहा है इंटोप्रॉक्स, इंटोप्रॉक्स आर, इंटोप्रॉक्स क्या होते हैं गाइज, इंटोप्रॉक्स क्या होते हैं देखिए और समझिए और इसका आंसर आप बताइए, समझ रहे हैं, जो यहाँ तक पढ़ाई कर लिया है गाइज वो कंफर्ट अपने को थोड़ा सा समझ ले, हाँ बिल्कुल, कि हाँ थोड़ा सा मेरे जो तैयारी है वो लगभग 92% हो चुकी है, 92% तक हो चुकी है गाइज, ठीक है। अब ये थोड़े से हवा कुछ लोगों को नहीं लगेंगे, कह रहा है इंटोप्रॉक्स आर कैसे होते हैं, सीलोमेट्स, सीलोमेट्स नन ऑफ द अबव, सीडो सीलोमेट, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सीडो सीलोमेट्स होते हैं, कैसे होते हैं, सीडो सीलोमेट्स होते हैं गाइज। सात का हो गया बी नंबर, आठ का बताइए, आठ का सही जवाब क्या होगा गाइज, आठ का राइट आंसर क्या होगा, आठ का कह रहा है इक्टोप्रोक्टा इज आल्सो नोन एज, इक्टोप्रोक्टा को और किस नाम से जाना जाता है, कह रहा है पॉलीजोवा नहीं, बोथ कह रहा है ब्रायोजोवा, कह रहा है नन, बोथ ऑफ दीज, तो इसका सही जवाब क्या होगा, आठ का, तो इसका ब्रायोजोवा इसका सही आंसर है गाइस, ब्रायोजोवा, ठीक है। इक्टोप्रोक्टा इज आल्सो नोन एज ब्रायोजोवा, आठ का हो गया कौन सा, बी नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर नौ की तरफ बढ़ते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर नौ देखिए, क्वेश्चन नंबर नौ आज के प्रश्न को देखिए और बताइए फिर, कह रहा है द टेक्निकल नेम ऑफ लैम्प सेल,
लैंप सेल का टेक्निकल नेम क्या है, ठीक है, लैंप सेल का टेक्निकल नेम क्या है, कह रहा है यहां पर फोरोनिस, कह रहा है लिंगुला, कह रहा है बुगला, कह रहा है इक्टिनोरैंकस, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है गाइस, द टेक्निकल नेम ऑफ लैंप सेल, इसका जो सही जवाब है वह है लिंगुला। क्या है गाइस, लिंगुला इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं गाइस, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। देखिए कह रहा है 10 नंबर में, मेल लिव्स इनसाइड फीमेल बॉडी, ठीक है, मेल जो है वो कहाँ होता है, फीमेल बॉडी के अंदर, दिस कंडीशन सीन इन, ये कंडीशन किसमें देखने को मिलती है। कह रहा है स्पाइनकुलस बोनेलिया, कह रहा है प्रियपुलस, कह रहा है इकायूरस, ठीक है इकायूरस। इसका सही जवाब क्या है गाइस बताइए, देखिए समय आपके लिए हम दे दिए हैं, और इसका सही जवाब क्या है, कुछ लोग भाई कुछ ही लोगों के कारण हम ऐसे क्वेश्चंस को अभी लेकर के आ गए, पहले ही मैंने बताया था सब प्रकार के क्वेश्चन को हम कराएंगे, लेकिन धैर्य नहीं है गाइस, धैर्य नहीं है, बस इस कारण से आज इस प्रकार के क्वेश्चन हमको लाने पड़े। तो बताइए इसका सही जवाब क्या है, बेनेरिया। अब इसके बाद वो बोलेंगे सर पूरे का डिस्क्रिप्शन करते चलिए एक क्वेश्चन का, तो डिस्क्रिप्शन का अभी समय नहीं है गाइस, मैं तो फटाफट के अंदाज में भी चल रहा हूँ, ठीक है, वो पैकेट से लेकर के, ठीक है, इसलिए होगा सब प्रकार के होंगे, थोड़े से जिसके पास धैर्य है उसी के साथ ऐसा होगा। तो अब चलते हैं 11 नंबर में, कह रहा है 11 नंबर, वन ऑफ दीज इज आल्सो नोन एज ग्लास वर्म, किसे जो है निम्नलिखित में से ग्लास वर्म कहा जाता है गाइस, कह रहा है यूरचिस, कह रहा है ग्लोसीपोनिया, कह रहा है इकायूरस, और कह रहा है सेजिटा, सेजिटा। तो इसका सही जवाब क्या है, ग्लास वर्म, इसका सही जवाब है गाइज सी नंबर सेजिटा, ठीक है सेजिटा इज द राइट आंसर। 12 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 नंबर में इसको देखिए, कह रहा है चीटोगैंस, चीटोगनेस आर आल्सो कॉल्ड एज, इसको और किस नाम से जाना जाता है, कह रहा है कि ग्लोवर्म, प्रोबोसिस वर्म, एरोवर्म, थ्रेड वर्म। तो इसका सही जवाब क्या है गाइज, ठीक है, इसका जो सही जवाब है वो है एरोवर्म गाइज, क्या है एरोवर्म इसका सही जवाब है। 12 का भी से वो हो गया और 11 का भी सी नंबर हो गया। अब 13 नंबर में चलते हैं कि 13 नंबर का आखिर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए 13 नंबर में कह रहा है लोफोफोर इज फाउंड इन द फाइलम, किस फाइलम में लोफोफोर पाया जाता है, लोफोफोर, कह रहा है इक्टोप्रोक्टा, कह रहा है फोरोनिडा, फोरोनिडा, कह रहा है ब्रैंकियोपोडा और आल ऑफ दीज। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा गाइस, 13 नंबर का जो सही इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए और समझिए और इसका उत्तर दीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर गाइस, आल ऑफ दीज, क्या हो जाएगा आल ऑफ दीज इसका सही जवाब हो जाएगा 13 नंबर का। आगे 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं गाइस। देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है बुगला, यहां पर बुगला बिलोंग्स टू, 14 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है बुगला बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग करता है, ब्रैकियोपोडा से, गैस्ट्रोट्राइका से, कह रहा है इक्टोप्रोक्टा से, कह रहा है नेमेरटिनिया से, नेमेरटिनिया से। तो इसका सही जवाब क्या है 14 का, देखिए और बताइए, आपके लिए पर्याप्त समय है। तो इसका सही जवाब है गाइज इक्टोप्रोक्टा, ठीक है, क्या है इसका सही जवाब, इक्टोप्रोक्टा इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर का, और बताइए कि 15 नंबर का सही जवाब क्या होगा गाइस, जो 15 नंबर का क्वेश्चन है उसको देखिए और इसका सही जवाब बताइए। 15 नंबर कह रहा है कि मेंबर्स, यहां पर देख लीजिए 15 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है मेंबर्स विच फाइलम आर कॉल्ड व्हील एनी मलक्यूल गाइस, कौन सा इसका नाम, व्हील एनी मलक्यूल, कह रहा है व्हील एनी मलक्यूल किस इसमें से फाइल, किस फाइलम के मेंबर को कहा जाता है व्हील एनिमल क्यूल, कह रहा रोटीफेरा के, कह रहा है गैस्ट्रोट्राइका को, कह रहा है यहां पर किनोराइधनिका को, कह रहा है निमेटोडा को। तो इसका सही जवाब क्या होगा गाइस, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा रोटीफोर, रोटीफेरा को, ठीक है, रोटीफेरा के जो मेंबर्स होते हैं उनके कहा जाता है व्हील एनिमल क्यूल, कहा जाता है रोटीफेरा, ठीक है। अगला 16 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है बॉडी कैविटी इज एब्सेंट इन द फाइलम, यानी किस फाइलम में बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है, ऐसा कह रहा है, कह रहा है प्लेटीहेलमिंथीज में, कह रहा है गैथोस्टोमुलिडा में, कह रहा है कि नेमेरेटिनिया में, नेमेरटिनिया, नेमेरटिनिया, कह रहा है आल ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा गाइस बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा 16 नंबर का, 16 का जो सही जवाब है वह क्या है, डी नंबर गाइस, आल ऑफ दीज, इनमें से सभी में बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है, ठीक है, सभी में बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है। अगला 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए,
और 17 नंबर का क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है मेंबर्स ऑफ हिच फाइलम आर कॉल्ड बियर एनिमल क्यूल। यहां पर बियर एनिमल किस फाइलम के मेंबर को कहा जाता है, तो कह रहा है यहां पर पेंटा स्टोमिडा, कह रहा है टार्डीग्रेडा, कह रहा है यहां पर कॉर्डेटा और प्रोटोजोआ। तो बताइए इसका जो सही जवाब होगा क्या होगा गाइस, 17 नंबर में, 17 नंबर का बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का क्या होगा सही जवाब, तो 17 का होगा यहां पर टार्डीग्रेडा। ठीक है, टार्डीग्रेडा इसका सही जवाब है बी नंबर। ठीक है, 17 का बी है। अब यहां 18 नंबर में देखिए गाइस, 18 नंबर का एक विकल्प अभी नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसको भी थोड़ा दिखा दे। 18 नंबर ये रहा, देखिए 18 नंबर में यहां पर कह रहा है, 18 नंबर में एक्टिनोट्रॉक लार्वा, एक्टिनोट्रॉक लार्वा इज अ मॉडिफाइड, किसका मॉडिफाइड है एक्टिनोट्रॉक लार्वा, कह रहा वेलिगर का, प्लेनुला का, टेडपोल का, कि कह रहा है ट्रोकोफोर का। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा गाइस, तो इसका सही जवाब होगा ट्रोकोफोर का मॉडिफाइड है, ट्रोकोफोर का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 19 की तरफ बढ़ते हैं गाइस, 19 के बड़े अब आपकी समझ में नहीं आ रहे होंगे कुछ लोगों के गाइस। 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए, विच इज कॉमनली नोन एज सी वॉलनट। आप देखिए सी वॉलनट किसे कहते हैं गाइस, सी वॉलनट किसे कहा जाता है बताइए। अब ये तो आपकी समझ में आ गया होगा, अभी आपने लेक्चर देखा। ठीक है, कह रहा है पोरीफेरा को नहीं, सिलेंट्रेटा को नहीं, काइनोडर्मेटा को नहीं, कह रहा है टीनोफोरा, और कल जो मैंने लेक्चर बताया था उसमें भी बताया था इसे सी वॉलनट कहते हैं टीनोफोरा को। ठीक है, कह रहा है 20 नंबर में, कह रहा है 8 कॉम्ब लाइक प्लेट्स फॉर लोकोमोशन, यानी लोकोमोशन के लिए 8 कॉम लाइक प्लेट्स होती हैं, कह रहा है किस में होती, किस फाइलम में, कह रहा है आर्थ्रोपोडा में नहीं, मोलस्का में नहीं, कह रहा है प्लेटी हेलमेंथीज में नहीं, तो टीनोफोरा में। जी हाँ बिल्कुल, इसका सही जवाब है टीनोफोरा गाइस, टीनोफोरा इसका राइट आंसर है 20 का, कौन सा हो गया डी नंबर। अब 21 पे चलते हैं, 21 नंबर कह रहा है कैलोब्लास्ट इज एडहेसिव एंड सेंसरी सेल इन, कैलोब्लास्ट इज एडहेसिव एंड सेंसरी सेल्स इन किस में होती हैं, कह रहा है पोरीफेरा में, सिलेंट्रेटा में, टीनोफोरा में, कि मोलस्का में, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा 21 नंबर का, तो इसका सही जवाब क्या होगा गाइस, इसका सही जवाब होगा बी नंबर टीनोफोरा। 22 नंबर में देखिए, कह रहा है बॉडी ए सिलोमेट एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक किस में होती है, बॉडी ए सिलोमेट और ट्रिप्लोब्लास्टिक प्रकार की किस में होती है गाइस, कह रहा है सिलेंट्रेटा में, एनिलिडा में नहीं, दोनों में नहीं, पोरीफेरा में नहीं, टीनोफोरा में, जी हाँ बिल्कुल इसी में, अभी लेक्चर में आपने देखा। ठीक है, टीनोफोरा में इसकी बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, एसिलोमेट। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको भी देखते हैं, 23 नंबर का। ठीक है, 23 24 और 25 ये देखिए, 23 24 और 25 इसको देखिए, कह रहा है विच इज कॉमनली नोन एज वीनस गर्डिल। ठीक है, वीनस गर्डिल किसे कहा जाता है गाइज, इनमें से बताइए वीनस गर्डिल किसे कहा जाता है, 23 नंबर का क्वेश्चन है, 23 नंबर का क्वेश्चन वीनस गर्डिल, कह रहा है यहाँ फाइसेलिया को नहीं, हाइलोनीमा को नहीं, पॉर्पिटा को नहीं, वेलामेन को, जी बिल्कुल इसका सही जवाब है यही डी नंबर। ठीक है, वेलामेन इसको वीनस गर्डिल बोलते हैं कॉमनली। कह रहा है अगला 24 नंबर में, सिस्टम एंड बिरोई बिलोंग्स टू, किस से बिलोंग करते हैं, कह रहा है प्रोटोजोआ में नहीं, पोरीफेरा में नहीं, कह रहा है सिलेंट्रेटा में नहीं, कह रहा है टीनोफोरा में, तो अभी आपने पढ़ा टीनोफोरा से ही ये बिलोंग करते हैं गाइस, तो इसका सही जवाब हो गया डी नंबर। अब कह रहा है स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट इन, स्टेटोसिस्ट किसमें प्रेजेंट होता है गाइस, किस है, ठीक है, किसमें प्रेजेंट होता है, कह रहा है टीनोफोरा में, सिलेंट्रेटा में, बोथ ऑफ देम, नन, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा गाइस। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा 25 का, मैंने तो बताया था निमेटो सिस्ट इसमें एब्सेंट होता है, बाकी स्टेटोसिस्ट तो होता ही है गाइस, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा देख लीजिए 25 नंबर का, स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट इन टीनोफोरा, सिलेंट्रेटा, बोथ ऑफ देम, नन ऑफ दीज, इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर गाइस। ठीक है, कौन सा हो जाएगा इसका सी नंबर, इसका सही जवाब है। तो गाइस चलिए आज का यह लेक्चर आप सबके लिए कैसा रहा, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ गया था गाइस, तो हम इस तरह से क्वेश्चन आप सबको कराएंगे, धैर्य रखिए, अभी जिस तरह से हमारा जो लेक्चर चल रहा है उसको आप पूरा होने दीजिए, देखिए तब आप हमारे साथ रेगुलर आप जुड़े रहिए, आपको बड़ा मजा आने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि आपका ये भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा अगर हमारा लेक्चर आप पूरे देखते रहे तो। ठीक है, तो चलिए गाइस आज के हमारे इस लेक्चर में अगर कोई सुझाव हो किसी प्रकार का तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए आज के इस लेक्चर में हम यहीं तक रखते हैं गाइस, फिर मिलेंगे नए लेक्चर नए दिन नए वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।